तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर रहती है। मेरे भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पर कराची में कि अब ये जो है इनको यहाँ पर अपने सुकून से रहने दें, तो हम लोग भी जाके इंजॉय करें और जल्दी आने की जो है वो दरख्वास्त ना की जाए बार 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 बार, तो हम लोग जो है यहाँ पर इंजॉय करते हैं। चलिए मम्मा आप आगे बताइए कि इनसे नरिता एयरपोर्ट पर क्या क्या पूछा गया और क्या प्रोसीजर रहा। चलिए नरिता एयरपोर्ट तो ये कि जहाज में हमें फॉर्म दिया गया करने के लिए, एक बार रेशन कार्ड वगैरह फिल करने के लिए, तो एक कोरोना वायरस का भी फॉर्म उन्होंने दिया था क्वारंटाइन का, वो जहाज में हमने फिल किया। फिर जैसे ही जहाज से बाहर आए तो एक पैसेज से हम कॉरिडोर था, मतलब एयरपोर्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कॉरिडोर उन्होंने बनाया हुआ था, वो पूरा 10-15 मिनट चलना था वॉकिंग के। उसके बाद जो टेस्टिंग वाले बैठे हुए थे, फिर उन्होंने हमें टेस्ट ट्यूब दी के जो ओरल टेस्ट ये करना है आपने, और वो फॉर्म उनसे ले लिया। फिर ओरल टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने एक नंबर दे दिया मुझे कि 36 की सीट पर आप जाकर बैठ जाएं। वो 36B की सीट पर फिर मैं बैठी हुई थी, 2.5 घंटे उन्होंने वेट करवाया। उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट माइनस आई, तो उन्होंने फिर मुझे क्वारंटाइन का फॉर्म तो ले लिया और एक स्टिकर दे दिया कि बस ये अब आपने 14 डेज जो है ना अपने घर में स्टे करना है और बाहर नहीं निकलना। टेस्ट आपका माइनस आया है लेकिन 14 डेज अपने घर में ही गुजरना है, उसके बाद फिर आप बाहर निकलेंगे। तो ये 14 डेज है और इसके बाद फिर आप फ्री हो का फिर जापान प्रोसीजर ही है। उसके बाद एज इट इज इमिग्रेशन, फिर लगेज, फिर बस बाहर आना रखी था और उन्होंने एंट्री दे दी। लेकिन एंट्री से पहले जो लैंडिंग पर अप्रूवल उन्होंने री एंट्री का ले दिया था एम्बेसी से, वो हॉस्पिटल का एक फॉर्म, तमाम मतलब पेपर उन्होंने मुझसे सबमिट मुझे करवाने पड़े हैं री एंट्री के लिए। तो इस पर अपने इंटरव्यू लिया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ। जब नरिता पर इन लोगों ने लैंड किया तो इन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया इनसे, 2 आवर्स मुझे कहा था जब मैंने यहाँ पर इंक्वायरी की थी, लेकिन 2 आवर्स की बजाय जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 आवर जो है वहाँ पर लगाए गए, क्योंकि पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले जो है लैंडिंग के साथ ही जब इनको अंदर लाया जाता है तो उसी वक्त पहले टेस्ट लिया जाता है, इमिग्रेशन बाद में किया जाता है, क्वारंटीन में ले जाता है। सबसे पहले क्वारंटीन में लेकर चले गए इनको, पैसेंजर्स को क्वारंटीन में जो है वो इनका बिठाया गया, नंबर दिए गए थे बाकायदा, वहाँ पे जो इनका ओरल टेस्ट लिया गया, सलाइवा टेस्ट जिसे कहते हैं कोविड एंटीजन का, वो टेस्ट लिया गया, उसकी रिपोर्ट आती है 2 घंटे में। अगर फास्ट भी कर दिया जाए तब भी जो है वो 1 घंटा लग जाता है, उसकी रिपोर्ट आई 2 घंटे में। 2 घंटे के बाद इनको जो है क्लियर कर दिया गया कि टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में भी जो है कुछ रिक्वायरमेंट थी। ये जब लोग इमिग्रेशन पर गए तो वहाँ पर इनसे जो है वो एक ओथ ली गई है, इनका फॉर्म फिल करवाया गया बाकायदा कि फॉर 14 डेज जो है वो घर पर भी जो है वो क्वारंटीन में रहेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से ऐसा जितना कांटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो सोशल डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, कांटेक्ट नहीं करेंगे इतना। और उसके अलावा जो है दूसरी एक बात उन्होंने ये कही थी कि एयरपोर्ट से जो घर जाने के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, और विद इन 14 डेज भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं की जा सकती, आपको सिर्फ प्राइवेट कार यूज़ करनी है या टैक्सी यूज़ करनी है। अच्छा, और उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर ये नहीं जा सकते, कहीं भी बाहर जो है इनको अलाउ नहीं है, वो लोग फॉलो करेंगे, इंक्वायरी की जाएगी, और अगर इनकेस अगर कोई ऐसा बाहर अगर ये पकड़े जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेहतर है अवॉइड किया जाए, क्योंकि वैसे भी अभी तो हमारा सीजन भी ऐसा जैसा नहीं है कि बाहर घुमा फिरा जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जब भी तो देखकर कवर करेंगे, वीडियो बनाएंगे वहाँ पर और इंजॉय भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो रूल्स है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो अच्छा एक बात और ही मैं से पूछे, दुबई पर क्या हुआ था? दुबई पर भी सेम प्रोसीजर था, उन्होंने भी तमाम चीज़ें मतलब मुझसे ली थी, हॉस्पिटल के टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने भी करवाई थी, और अप्रूवल भी जो जापान एम्बेसी वाला ग्रीन सिग्नल किया था वो भी उन्होंने किया था, लैंडिंग अप्रूवल स्वास्थ्य तमाम चीज़ें वहाँ भी मुझे सबमिट करवानी पड़ेगी, तमाम पेपर्स की फोटो कॉपी हर जगह वो हर एयरपोर्ट पर ले रहे हैं। अच्छा एमरेट्स जो है वो वाया चूंकि दुबई आती है, तो दुबई पर भी जो है उनका सेम प्रोसीजर था, इनको जो है दुबई पर भी सारे पेपर्स इनसे लिए गए, सबको चेक किया गया प्रॉपर है या नहीं है। दुबई पर टेस्ट लिया गया था? नहीं, दुबई का कोई टेस्ट, क्योंकि ट्रांजिट है तो ट्रांजिट के लिए कोई टेस्ट, ट्रांजिट वालों के लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन पेपर की रिक्वायरमेंट वही थी जो पाकिस्तान मेडिकल चेक करते हैं। तो ये था इनका पूरा ट्रेवल, दुबई की जो फ्लाइट होती है वो पूरी 1 day 1 night की एज सच ऐसी कोई फ्लाइट थी इनकी, तो पूरा बहुत ज्यादा टाइम लगा। फ्लाइट जो है टोक्यो पर जो है वो लैंड हो गई थी 5 बजे, 5 पर लैंड हो गई थी, लेकिन इनको बाहर आते आते जो है वो
9:30 से 10:30 हो गए, इतना इन्होंने टाइम लिया था नैनीताल पर, क्योंकि तो जब वही है तो ट्रैवल करना जो है सर जितना इशू नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कोविड की वजह से जो किया हुआ है उसमें थोड़ा मसला हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अरवा अरवा शिमायो नांगायो मिनानी कोको कोको इते अरवा इवाना ही मम्मा फाबिशी दायो यो शॉर्टी शॉर्टी ये यो आयो। तो ये थी पैकिंग, अनपैकिंग कर ली है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत बहुत खुलूस प्यार खुलूस से जो चीज़ें भेजी है, शेरवानों ने, भाई बहनों ने, पुप्पियों ने, जब भी मैं पहनूंगी तो और हम बच्चे पहनेंगे तो हम लोग जो है वो वीडियो बनाएंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। तो मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में आप लोग 2 सेकंड भी नहीं लगने अपना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।